केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रैला ओडिंगा ने बताया है कि नरेंद्र मोदी एक बार केन्या आए थे और यहां उन्होंने मुलाकात करवाई थी उनकी गौतम अडानी से। नरेंद्र मोदी ने स्पेशली गौतम अडानी के लिए केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री को ऐसा कहा था कि इन्हें आप काम दीजिए। साथ ही साथ उन्होंने केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रैला ओडिंगा को भारत गुजरात में बुलाया था और कहा था कि आप निवेश कीजिए अडानी ग्रुप में। यहाँ पे ये दिक्कत नहीं है जो रैला ओडिंगा आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने अडानी से ही क्यों मिलवाया था, लेकिन यहाँ पे बात यह है कि सिर्फ अडानी से ही क्यों मिलवाया था। यहाँ पे और भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, और भी बिजनेसमैन हैं, उस पे नरेंद्र मोदी की नजर क्यों नहीं है। विपक्ष हमेशा ये आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं कि हर चीज अंबानी और अडानी के ही झोली में नरेंद्र मोदी क्यों डाल रहे हैं, बाकी बिजनेसमैन से उनके ताल्लुक क्यों नहीं है, उनके साथ क्यों नहीं काम करते हैं, उनको क्यों नहीं बढ़ाते हैं। और ऐसे में जब केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री का ऐसा बयान आता है तो सच में नरेंद्र मोदी के खिलाफ में एक चीज तो खड़ी हो जाती है कि वो अडानी को सपोर्ट करते हैं। अभी 2-3 दिन पहले की एक न्यूज थी जिसमें गुजरात के पोर्ट पे फिर से ड्रग्स की बरामदगी हुई है, 5,000 करोड़ की बरामदगी हुई है, इस पे भी नरेंद्र मोदी का कुछ बयान नहीं आता है। दूसरा चीज जो है वो है कि लॉरेंस बिश्नोई, वो भी साबरमती जेल में है जो कि गुजरात में है, उस पे भी नरेंद्र मोदी की सरकार कुछ नहीं कर पाती है। तो इस तरीके से हाथ पे हाथ धरे बैठे और अपने लोगों को आगे बढ़ाने में आखिर नरेंद्र मोदी की सरकार कब तक एक्टिव रहेगी, ये तो बताना मुश्किल है। अब इस खबर पे आपका क्या सोचना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।